ठुरिया, आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक कहानी हाथी और दर्जी। समुद्र के किनारे दर्जी की दुकान थी। हाथी रोज वहाँ आता था। दर्जी हाथी को कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देता था। एक दिन हाथी दर्जी की दुकान पे आया। दर्जी उस समय दर्जी अपने काम में व्यस्त था और दर्जी ने हाथी की सूंड में सुई चुबा दी। हाथी को बहुत गुस्सा आया। हाथी वहां से समुद्र के किनारे गया और समुद्र से कुछ गंदा पानी लाया और दर्जी के कपड़ों पे छिड़क दिया और दर्जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हाथी को बहुत सारे फल दिए खाने के लिए। कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको किसी के साथ बुरा भला नहीं करना चाहिए।